आप देख रहे हैं हमारे ग्रुप ऑफ चैनल्स जीवाईटी मस्ती जिनसे कॉमेडी फैक्ट्री। फ्रेंड्स, आज हम दो दिन से न्यूज में देख रहे हैं, काफी कुछ चल रहा है और बहुत सारे लोगों को पता भी है कि क्या चल रहा है, लेकिन उसके ऊपर एक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं हमें पता नहीं चल रहा है। और हमें सिर्फ ये पता चल रहा है कि उसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। आज भी वही कैंडल मार्च वगैरह किया जा रहा है और अभी नहीं तो फिर अभी स्टार्ट होने वाले हैं कुछ दिनों में, लेकिन फाइनल यही रिजल्ट आता है कि आगे क्या होगा, हमारे इस देश का क्या होगा, हम लोग यहाँ पे सेफ हैं या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर एक दो घंटे पे या फिर एक दिन में एक बच्ची का रेप और एक महिला का रेप होता ही होता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग कैसे इसको रिजोल्व करें, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गलती वो कर रहे हैं लेकिन सपोर्ट भी उनको कर रहे हैं। बेसिकली जो निखिल भाई बोलना चाह रहे हैं वो ये बोलना चाह रहे हैं कि हम देश, हमारा देश कहाँ जा रहा है, किस तरफ बढ़ रहा है। आज 8 साल की लड़की सेफ नहीं है, कभी 5 साल के बच्ची का रेप का सुनाई देता है, कभी ऊना में नया केस सुनाई देता है, रोज अगर रेपी का केस होगा, मतलब एक खत्म नहीं होगा कि दूसरा स्टार्ट, ये कब तक चलेगा भाई, और ये सिस्टम और ये बंद कब होगा। हमारे पास बहुत सारे नाम ऐसे भी हैं जिन्होंने, जिनके रेप के बाद उनको सपोर्ट कर रहे हैं और वो हम और आप में से ही कोई एक है। उनका नाम मैं बताता हूँ, चंद्र प्रकाश गंगा। चंद्र प्रकाश गंगा एक बीजेपी के नेता हैं, धुरंधर आदमी है, काफी धुरंधर आदमी है वो। और उन्होंने क्या बोला, गलती से हो गया रेप। आप क्या बोलेंगे इसमें, गलती से कभी कोई रेप, उसको मर्डर कर दो और बोलो कि गलती से हो गया मेरे से मर्डर। हद तो तब हो गई ना दोस्तों, जो रक्षक थे, जो पुलिस वालों थे, उन्होंने ही उसमें सारी हेल्प की हुई है। अगर आप केस देखोगे तो आपको पता चलेगा उसमें इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर से लेके हवलदार तक, सब हर कोई शामिल है। एक सबूत बना रहा है तो एक सबूत मिटा रहा है, एक मर्डर कर रहा है तो एक सबूत मिटा रहा है, एक जंगल में ले जाकर के फेंकने का धब भी बोल रहा है। तो मैंने बोला था कि जंगल में ले जाकर के फेंक दो मर्डर करके, लेकिन नहीं। क्या यार, मतलब क्या चल रहा है, कुछ भी आप लोग देश संभाल रहे हो, कैसा संभलेगा देश। सो फ्रेंड्स, आज हम पब्लिश करने जा रहे हैं अभी उन नेताओं के नाम जो उनके सपोर्ट में, रेपिस्ट के सपोर्ट में। तो फ्रेंड्स, आप उनको सपोर्ट मत करना प्लीज, क्योंकि पूरा इंडिया उससे सपोर्ट नहीं कर रहा है और जो सपोर्ट कर रहे हैं उनके ऊपर काफी कड़ी एक्शन लिए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, तो मैं उनका नाम आपको बता रहा हूँ, चंद्र प्रकाश गंगा सबसे फर्स्ट नंबर पे, जिन्होंने रेपिस्ट को काफी सपोर्ट किया, उन्होंने बोला गलती से हो गया रे। सेकेंड, चौधरी लाल सिंह। जी हाँ फ्रेंड, चौधरी लाल सिंह वही जो अपने भाषण के दम पे काफी लोगों को अपने पास आकर्षित किया है उन्होंने अपना ध्यान, आज वही रक्षक भक्षक बन चुके हैं। फ्रेंड्स, हद तो तब हो गई फ्रेंड्स जब इन दोनों के ऊपर एक्शन लिया गया और उसके बाद कोई थर्ड पर्सन बोलता है, राम माधव महासचिव बीजेपी। जी हाँ फ्रेंड्स, राम माधव महासचिव जो काफी नामी गिरामी पर्सन है, उन्होंने बोला शायद से वो भावनाओं में बह गए होंगे। तो फ्रेंड्स, भावनाओं में बहने का अभी टाइम नहीं है, अभी टाइम है अपने को जस्टिस दिलाने का। भावनाओं में बह के कोई रेप नहीं करता, भावनाओं में कभी किसी बच्ची का, तो कम से कम 8 साल की बच्ची, कुछ तो शर्म करो, क्या कर रहे हो। सुबह जगता होगा तो अपने बच्ची को देख करके आता होगा घर से बाहर, और बाहर आकर के मतलब 8 साल की बच्ची हो गई तेरी, मतलब पता नहीं यार क्या बोलूंगा, इंसान है या वैसी है समझ नहीं आता। फ्रेंड्स, आज भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम लोग सोचते हैं शायद हमारा घर सेफ होगा, लेकिन हम लोग ये बहुत गलत सोच रहे हैं फ्रेंड्स कि हमारा भी घर सेफ है, क्योंकि आज हो सकता है कल उनके साथ हुआ, कभी वो चीज अपने ऊपर लेकर के देखो फ्रेंड्स कैसा फील होगा। नहीं होना चाहिए, दुआ तो ये करूंगा कि और किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। पिछले 2 दिनों से न्यूज देखने के बाद ऐसा लगता है कि क्या, मतलब कुछ समझ नहीं आता। अरे एक खत्म नहीं हुआ कि एक दूसरा यूपी में स्टार्ट, ये क्या है यार, एक के ऊपर लगा हुआ है उधर सब ये करने में, तो ये दूसरा स्टार्ट, मतलब इधर आकर्षित हो जाओ, उधर वाला बंद करो इधर आ जाओ, तब तक तीसरा स्टार्ट हो जाएगा। यूपी का मामला तो ऐसा है जैसे कि हमने किसी को चुन लिया हमारे घर की रक्षा करो, और वही आपकी बेटी और बहू को बुला के रेप कर रहा है। वाह, आप मुंबई कहीं पर मत करने जाओ, कोई कुछ भी हो सकता है यार। लेकिन आगे क्या एक्शन क्या लिया जा रहा है फ्रेंड्स, हमको चाहिए जस्टिस, हमें चाहिए जस्टिस, वी वांट जस्टिस।